नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे ये हम आपको बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि बाजार में आपको लंबे समय के लिए कहां पर निवेश करना है। तो आज ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे ब्लू ओशन एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी जी और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम अलग अलग रिसर्च लेकर तैनात है, तैयार है। कुशल बताएंगे आज का बाजार का पूरा एक्शन, पूरा हाल। दीपांशु से समझेंगे L&T के नतीजे कैसे रहे। देवांशी बताएंगी कल आने वाले बायोकॉन के नतीजे के बारे में और साथ ही ये भी बताएंगे कि बिग बुल बाजार में कहां शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज हम बाजार नहीं बल्कि गोल्ड की बात करने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड ने आज इतिहास रच दिया है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 ग्राम सोने का भाव MCX पर 50,000 के पार चला गया है। जोरदार तेजी आज गोल्ड में हमने देखी और पिछले एक साल में गोल्ड ने 42% का रिटर्न दिया है और इसकी संभावना सबसे पहले जी बिजनेस पर एक्सपर्ट ने जताई थी। और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो सिर्फ 6 महीने में गोल्ड ने 40,000 से 50,000 का सफर तय किया है। एक बड़ी तेजी गोल्ड में बनी है और सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि चांदी में भी बड़ा उछाल आया है और आज दिन के कारोबार में चांदी 62,000 के भी पार चली गई है। जानकारों का ये मानना है कि साल के अंत तक गोल्ड में आपको 60,000 का स्तर भी दिख सकता है और चांदी का भाव 75,000 रुपए तक भी जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ी है ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड में बड़ा इजाफा हुआ है। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन क्लोजिंग में निफ्टी करीब 34% की गिरावट के साथ 11,130 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में भी आज 60 अंकों की मामूली गिरावट दिखी और बाजार पर IT, FMCG और ऑटो शेयरों ने आज के सत्र में दबाव बनाने का काम किया है। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1666 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1139 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज बाजार में अगर हम देखें तो उतार चढ़ाव का माहौल रहा और कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, इसे किस तरह से समझा जाए? फाइनली 4 दिनों तक लगातार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला और उतार चढ़ाव के साथ कारोबार भी, नहीं तो अब तक बिल्कुल एक तरफा तेजी की तरफ कारोबार होता हुआ दिख रहा था। आज सुबह खुले तो फिर हम दमदार शुरुआत करते हुए, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, अमेरिकी बाजारों में भी तेजी रही, लेकिन पहले ही मिनट से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। 11,200 के पार खुलकर टिके जरूर, खुले जरूर लेकिन टिके नहीं, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बैंक निफ्टी भी 23,200 के आसपास खुला जरूर लेकिन तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई और उसके बाद दिन भर में हम एक भी बार 11,200 को और 23,000 को पार नहीं कर पाए, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग लगातार ऊपरी स्तरों पर आती दिखी। वजह कोई खास नहीं, दो है। एक, दिन के दौरान फिर डाउ फ्यूचर्स जो लगभग 80-100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे वो गिरते गिरते 100-125 पॉइंट नीचे हो गए, तो एक तो मूड थोड़ा सा उससे खराब हुआ कि डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो गए। दूसरा ये कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 11,200 के उस लेवल पर आई जो कि वायदा कारोबार के लिहाज से बड़ा लेवल है। कल वीकली एक्सपायरी पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में वहां पर है,
पुट कॉल रेशियो 1.87 पर थोड़ा सा ओवरबॉट है और एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार का हल्का होना जरूरी था। तो जो एक हेल्दी करेक्शन की जरूरत है नॉन स्टॉप चार दिन तेजी के बाद, वो एक हेल्दी करेक्शन मिला और इस हेल्दी करेक्शन में 11,000-11,050 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी का, बाजार ने उस लेवल को तोड़ा नहीं और वहीं से वापस बाउंस भी किया और क्लोजिंग 11,100 के ऊपर की अच्छी कही जाएगी, किसी भी लिहाज से कहीं कोई खराबी नहीं। बैंक निफ्टी तो इससे भी ज्यादा मजबूत, बेहतर सेंचुरी मारकर बंद हुआ 100 पॉइंट ऊपर। निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी ऊपर, जो पहले उल्टा चलता था ना कि निफ्टी नीचे ऊपर बंद होता था और बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त रहता था, अब पिछले 3-4 दिनों से बात बदल गई है। बैंक निफ्टी की लीडरशिप है और बैंक निफ्टी लगातार ऊपर बंद होता दिख रहा है। आज भी 22,900 के बेहद करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा है, तो वहां पर अभी भी मजबूती बरकरार है। हाँ, एक तरफा तेजी के बजाय अब हल्का उतार चढ़ाव होता दिख रहा है, उसकी दोनों ही वजह, एक ग्लोबल मार्केट्स और दूसरा कल की एक्सपायरी के पहले हल्की फुल्की ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग। तो ये आज का पूरा ट्रेड रहा, साथ ही ढेर सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स की वजह से भी आज एक्शन में रहे, तो ये सारे मिक्स कारोबार की तरफ आज बड़े दिनों बाद बाजार ने थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई है। अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में जिस तरह का कारोबार रहा उसमें अलग अलग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा और सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है उसमें किन किन खबरों का योगदान रहा है, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए। जी, तो 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और ऊपरी स्तरों से गिरावट रही, पर आखिरी 1 घंटे में एक अच्छा बाउंस बैक हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो गिरने वाले शेयरों की सूची है उसमें ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स रहे, वहीं अगर आप गेनिंग साइड पर देखेंगे तो एक्सिस बैंक अपने बढ़िया नतीजों के बाद 6-7% की इंट्राडे मूव दिखाई, सोना आज 50,000 के पार होता हुआ दिखा, जिस वजह से आप देखिए टाइटन में बहुत ही शानदार उछाल हमें 4-5% का यहाँ पर भी देखने को मिला। वहीं अगर आप लूजिंग साइड पर देखेंगे तो प्राइमरली सारे इंडिसेज ही लाल निशान में आते हुए दिखे थे, जिसमें FMCG जो था वो टॉप लूजर निकल कर आया। जहाँ पर अगर आप HUL देखें तो खराब नतीजों के बाद यहाँ पर 3-3.5% का रिएक्शन सा आया गिरावट का, साथ ही जुबिलेंट फूड, डाबर जैसे स्टॉक अंडर प्रेशर रहे। वहीं अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल PSU बैंक्स में भी आज मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली, कल एक्सपायरी के पहले जो है आज यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला, जिसमें कैनरा बैंक, PNB, BOB जैसे स्टॉक्स जो है 1-1.5% की गिरावट दिखाते हुए दिखे। साथ ही ऑटो स्पेस भी आज दबाव में रहा, तो हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर के साथ साथ मारुति सुजुकी भी ऑलमोस्ट 6,000 के लेवल पे वापस से पहुंचता हुआ दिखा। साथ ही IT स्पेस जो था, जो पिछले कुछ दिनों में अच्छा फोकस में था इंफोसिस और विप्रो के अच्छे नतीजों के बाद, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आज हावी रही। और अंत में एक ऐसा स्पेस था जहाँ पर पॉजिटिविटी रही, वो था फार्मा स्पेस। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज यहाँ पर हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। चलिए, ये तो हुआ आज का बाजार का एक्शन और कहां कहां पर किस किस सेक्टर में एक्शन दिखा, ये हमें अभी कुशल ने बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि Q1 में, यानी पहली तिमाही में, आप जानना चाह रहे होंगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने कहां कहां शॉपिंग की है, और खबर यह है कि उन्होंने बड़ी शॉपिंग की है, तो किन कंपनियों में बिग बुल ने हिस्सा खरीदा है और कहां कहां पर उनकी बड़ी शॉपिंग हुई है, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए राकेश झुंझुनवाला ने जून तिमाही में कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पे फ्रेश खरीदारी की है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल की है, और साथ ही कई ऐसी भी कंपनीज हैं जहां पे उनकी ऑलरेडी होल्डिंग थी और उन्होंने हिस्सा बढ़ा दिया है। अब साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिग बुल की खरीदारी करने के बाद ये सारी कंपनीज ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप 1 अप्रैल से लेकर अब तक, यानी कि 22 जुलाई की क्लोजिंग तक देखें, तो ये सारी कंपनीज ने करीब 13% से लेकर 225% तक के रिटर्न्स दिए हैं। सबसे पहले उन कंपनीज की बात करते जहां पे उन्होंने फ्रेश खरीदारी की है या पोर्टफोलियो में शामिल की है। डिशमेंट कार्गोजन, यहां पे करीब 1.59% हिस्सा इन्होंने खरीदा है। रेखा झुंझुनवाला ने भी करीब 1.59% हिस्सा खरीदा है, तो कुल मिला के 3.18% हिस्सा दोनों का मिलाकर होता हुआ दिखा है। ऑटोलाइन इंडस्ट्री, करीब 6.5% तक की होल्डिंग इन्होंने ली है, ये फ्रेश एंट्री है इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने भी दिए हैं। इंडियन होटल में इन्होंने फिलहाल हिस्सा खरीदा था, करीब 1% तक का हिस्सा इन्होंने खरीदा है, ये भी ऐसा स्टॉक है जो उनके पोर्टफोलियो में नहीं था, फ्रेश एंट्री होती हुई दिखी है। ये सारी कंपनीज हैं जहां पे हमने देखा है 13% से लेके 225% तक के अच्छे रिटर्न्स हमने
इस पीरियड में देखे हैं। यही नहीं, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जहां पे इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ दिखा है। जून के तिमाही में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है। ये कंपनीज आप देखिए, जुबिलेंट लाइफ 0.7% हिस्सेदारी और बढ़ाई है इन्होंने इस तिमाही में। साथ ही एडलवाइस, रालिस इंडिया, एनसीसी, फर्स्ट सोर्स, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉर्प, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे 0.06% से लेके 0.15% या 0.38% के जो हिस्सा है ये इन्होंने खरीदा है। और साथ ही आप देखिए, सारी कंपनीज ने जो रिटर्न्स भी दिए हैं अप्रैल से लेके जुलाई तक, ये भी काफी बेहतरीन है। जैसे कि जुबिलेंट लाइफ ने 168% तक के रिटर्न्स दिए हैं अब तक। साथ ही एडलवाइस की अगर बात करें तो करीब 80% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं जहां पे इन्होंने 0.15% हिस्सा खरीदा है। तो ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे या तो इन्होंने फ्रेश खरीदारी की है या फिर इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाई है, और ये सारी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये है बिग बुल की शॉपिंग जो देवांशी ने डिटेल में यहां पर बताया। लेकिन आपको शॉपिंग कहां पर करनी है ये भी हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, L&T ने जून तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं और कैसे रहे हैं नतीजे ये बताने के लिए हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। दीपांशु बताइए, L&T के नंबर्स की बात करें तो थोड़े मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं। हालांकि मुनाफा और आय दोनों ही अनुमान से थोड़ा बेहतर थे, पर कामकाजी तौर पर काफी कमजोर क्वार्टर रहा और अनुमान से कमजोर एबिटा और मार्जिन्स आए। कुल आय की बात करें तो 28% की यहां पर गिरावट आपने देखी है, 21,260 करोड़ के करीब आय आई है, अनुमान से थोड़ी बेहतर है। पर कामकाजी तौर पर देखें तो कामकाजी मुनाफे में लगभग 50% की गिरावट है और मार्जिन्स भी 10.3% से घटकर 7.6% आए हैं, हमारा अनुमान था 8.5% का। मुनाफे की बात करें तो 303 करोड़ आया है, वैसे तो 80% की गिरावट है पर अनुमान से थोड़ा बेहतर है। दो तीन फैक्टर्स हैं इसकी वजह से, एक तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से कामकाजी नतीजों पर दबाव आया है, पर टैक्स खर्च कम होने से और एक मुश्त मुनाफे से कुल प्रॉफिट को सहारा मिला है। Q1 में लॉकडाउन काफी लंबे समय तक चला था और इसके चलते चलते एग्जीक्यूशन पर जरूर असर पड़ा है और इसकी वजह से नतीजों पर भी दबाव आते हुए दिखा है। कुल ऑर्डर्स की बात करें तो उसमें 40% की सालाना तौर पर हमने गिरावट यहां पर देखी है। अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर की बात करें तो 38% हिस्सा जो नए ऑर्डर्स का है वो अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स से आया है, तकरीबन 8,900 करोड़ के करीब, और अब कुल ऑर्डर बुक इनकी 3,05,000 करोड़ पर है। इनका जो इंफ्रा सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट जो होता है, वहां पर नए ऑर्डर्स में हमने 32% की गिरावट देखी और वहां की आय की बात करें तो वहां पर तो 53% की हमने गिरावट आती हुई देखी। तो इंफ्रा सेगमेंट में काफी कमजोर नतीजे रहे। हाइड्रोकार्बन सेगमेंट के नए ऑर्डर 64% गिरे बट आय में सिर्फ 19% की गिरावट है, तो वहां से अच्छा ट्रेंड लगा। और कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे थे इनके। हेवी इंजीनियरिंग की आय में 57% की गिरावट है और नए ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं मिले। डिफेंस की बात करें तो छोटा सेगमेंट है पर 50% की गिरावट वहां पर भी आई है। तो ज्यादातर नतीजों को जो सहारा मिला है वो आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज के कारोबार से ही मिला है, जहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा। और माइंडट्री के इंटीग्रेशन के बाद के भी जो नंबर्स आ रहे हैं उससे भी फायदा इन्हें आते हुए दिख रहा है, तो वहां से थोड़ा सहारा जरूर मिला है। बट वैसे काफी कमजोर क्वार्टर रहा जो इनकी कोर ईएनसी बुक है। आउटलुक की बात करें तो कंपनी ने वैसे तो गाइडेंस नहीं दी है, पिछली तिमाही में भी नहीं दी थी, पर उन्होंने उनका कहना है कि लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे डोमेस्टिक मार्केट्स भारत के कारोबार में जरूर इन्हें एक इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है और आने वाले समय में रोड्स, अर्बन इंफ्रा, रेलवेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इरीगेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यहां के ऑर्डर्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अभी भी दबाव बना रहेगा और आने वाले कुछ तिमाही तक दबाव बना रह सकता है। ठीक है, तो ये L&T के जून तिमाही के नतीजे। और अब रुख करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ब्लू ओशन एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरह का मार्केट सर आज हमने देखा, ऐसे बाजार में कल इंट्राडे के लिए कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? जी, आज हमने बाजार में जो थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स में मजबूती देखी और उस पर देख के मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी। जरूर स्टॉक का 52-week हाई पर है, क्लिक कर रहा है और मेरा मानना है कि आगे आने वाले कई दिनों तक ये 52-week हाई पर ही ट्रेड करने वाला है। और उसके पीछे अगेन रैशनल ये है कि जो ये जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है व्हाइट गुड्स के, उसका थोड़ा सा मार्केट में रिवाइवल हुआ है। और इसके अलावा COVID-19 की टेस्ट किट जो बनाने का भी लाइसेंस इनके पास है, अभी मिल गया है। तो ये स्टॉक की बिल्कुल एक री रेटिंग करेगा आगे जाकर। और इनफैक्ट अगले 3 महीनों में तो मेरा टारगेट 10,000 रुपए का रहेगा, बट
चूंकि थोड़ा सा बाजार में वोलेटिलिटी है तो कल के लिए मेरा सजेशन रहेगा 7,250 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदे। आपको बिल्कुल आज का 52 वीक हाई कल ब्रीच होगा, 7,600 का लेवल देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये तो कल का ट्रेड हो गया, और अगर सर पोजिशनल ट्रेड लेना हो तब कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? अब पोजिशनल ट्रेड के लिए भी एक वीक का निवेशक के पास में समय है और वो देना चाहता है किसी स्टॉक को, तो मेरा मानना रहेगा आईसीआईसी सिक्योरिटी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। जो नतीजे आए हैं कंपनी के काफी उम्मीद से बेहतर रहे हैं आज नतीजे, और जो उनका मुनाफा जो रेवेन्यू भी आया है और जो ब्रोकरेज की इनकम आई है उसमें फिनोमिनल ग्रोथ है, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक का री रेटिंग होगा और एक सप्ताह के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका 580 रुपए के टारगेट से बिल्कुल बाय किया जा सकता है, और यदि लंबी अवधि का भी नजरिया है तब इस स्टॉक में कोई डाउनसाइड बाकी नहीं। तो ये दो ट्रेड आपके लिए कि आपको इंट्राडे में कहां पर ट्रेड करना है और पोजिशनली आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं। आगे हम आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेड भी बताएंगे, लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल के कारोबार में सर ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय नमस्ते आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो आज जिसने तहलका मचा रखा था पूरे दिन भर, लेकिन बाजार इसके कि वो ऊपर खुलने के बाद पूरा मार्केट नीचे गया, लेकिन ये स्टॉक अपना टिका रहा। तो आज करीब दुगने वॉल्यूम से ये स्टॉक टिका रहा इतनी ग्रीन गेन के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अभी भी और स्टीम बाकी है। तो एक्सिस बैंक का 480 का कॉल 14 रुपये पे लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखें 10 रुपये का और टारगेट है 23 रुपये का। इसको आप सोमवार तक का समय दें आपके ऑप्शन को पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए। धन्यवाद मृत्युंजय। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है, क्या स्ट्रेटेजी बाजार में बनानी चाहिए, क्या लेवल्स अहम होंगे कल के लिए? कल शुरुआत करने के लिए हम दुनिया भर के बाजारों से संकेत तो लेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और डाउ फ्यूचर्स भी देखना होगा, लेकिन उसके बावजूद कल हमारे अपने ट्रिगर्स काफी अहमियत वाले होंगे। पहला, कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है, तो उस लिहाज से पोजीशंस आपको बनती बिगड़ती नजर आएगी। दूसरा, आज के सेशन में FIs का क्या रुझान रहा ये देखना जरूर होगा। आज हल्के फुल्के करेक्शन में भी क्या FIs ने खरीदारी ही की है या फिर हाथ थोड़ा खींचा है, ये देखना जरूरी होगा। और घरेलू फंड अपनी बिकवाली जो थोड़ी सी कम करते हुए दिखे कल, क्या उन्होंने स्पीड फिर से बढ़ाई है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि खरीदने बेचने का डेटा। लेकिन इसके साथ जो लेवल्स अहम होंगे वो देख लीजिए, 10,950 11,025 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए, आसानी से टूटने वाला नहीं, और इस रेंज में आपको खरीदारी भी करनी है, शॉर्ट कवरिंग भी करनी है। ऊपरी स्तरों पर 11,200 11,250 पहला रुकावट का लेवल है, वहां पर जाएगा तो बाजार अटकेगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो पार किया तो 11,350 11,400 तक के लेवल आगे आने वाले दिनों में बनते हुए दिखेंगे। तो ये लेवल्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी में आइए, 22,400 से 22,600 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल काम करेगा। 23,000 थोड़ा सा है ना वो अटकने वाला लेवल है, 23,000 के ऊपर निकलकर टिके तो फ्रेश खरीदारी होती दिखेगी, जो 400-500 पॉइंट और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है, तब 23,400-23,500 बैंक निफ्टी के लिए फाइनल टारगेट बनते हुए दिखेंगे, उन पर फोकस करना है। तो ओवरऑल रुझान तेजी का है, ट्रेंड ऊपर का ही है, छोटे छोटे करेक्शन बीच में आएंगे, एक तरफा बाजार हर रोज बढ़ नहीं सकता, तो वो हल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और स्पेशली जब बाजार ओवरबोट हो और एक्सपायरी सामने हो, तो मुझे लगता है कल के सेशन में भी एक थोड़ा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन उतार चढ़ाव का बन सकता है, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है आपको, बस इतना सा ध्यान में रखिए। लेकिन बड़े एक्शन वाला दिन कल भी रहेगा, बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। और अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड करना चाहिए? हेलो। अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया। नितिन जी। हेलो जी। नितिन जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज सुन पा रहे हैं। ठीक है सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? देखिए कल वीकली एक्सपायरी है और मुझे लग रहा है एक्सपायरी 11100 से 11200 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज बाउंस हुआ है नीचे से तो लग रहा है पॉजिटिव एक्सपायरी होगी। तो इसमें हम स्ट्रेटजी ये करेंगे कि मार्केट खुलने के बाद 11100 की हम कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे जो भी प्राइस होगा, और प्रीमियम को बचाने के लिए 11200 की हम डबल भेज देंगे जिससे हमें कुछ प्रीमियम मिल जाएगा। आज की कॉस्टिंग के हिसाब से 25 रुपये की क्लोजिंग हुई है, 25 रुपये हमें कॉस्ट लग रही है, बट कल सुबह देख करके बनाना होगा। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये 11200 की तरफ थोड़ी मूव होती है तो आपको 40-50 रुपये का मुनाफा इस स्ट्रेटजी में मिल सकता है कम प्रीमियम के साथ। तो 11100 की कॉल लेके 11200 की दो बेचने की स्ट्रेटजी होगी। और अगर मार्केट में कल बाउंस मिलता है जो मुझे लग रहा है तो उसमें ICICI बैंक का पार्टिसिपेशन हो सकता है, तो ICICI बैंक खरीदना चाहिए। टारगेट होगा 392 का, स्टॉप लॉस होगा 375 का। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब आशीष जी मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि लंबे समय के जो निवेशक हैं, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं अपना, उनको इस मार्केट में अभी कहां पर निवेश करना चाहिए? जी यदि लंबे अवधि का नजरिया है तो इनफैक्ट 6 महीने के लिए मैं कॉल देना चाहूंगा। तो कंपनी का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। आज 55 रुपए का इसका प्राइस है और प्राइस टारगेट मेरा 75 से 80 रुपए का रहेगा 6 महीने का। अब सिर्फ स्टोरी से नजर आने की जरूरत है कि सबसे पहले तो आप इसके जो प्रमोटर है वो चेंज हो गए, एक प्राइवेट इक्विटी फंड ट्रू नॉर्थ कैपिटल करके है, वो उन्होंने इसमें स्टेक लिया, 57% वो ओन करते हैं। उनके आने के बाद से कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। तो एक सीमेंट प्लांट जो 1.2 मिलियन टन कैपेसिटी है गुजरात जैसे प्रॉमिसिंग मार्केट में वो काम करते हैं, 1000 से ज्यादा उनके पास में चैनल पार्टनर है जो उनका प्रोडक्ट बेचते हैं, और इसके अलावा ऑयल वेल्स में जो सीमेंट लगता है उसके भी स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरर हैं। जो परफॉर्मेंस पे नजर डाले हैं तो जिनका लास्ट क्वार्टर था उसमें 23 करोड़ का मुनाफा उन्होंने किया, जबकि करिस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 9 करोड़ रुपए का सिर्फ मुनाफा था। तो जो परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। जो फिनिश प्रोडक्ट है जो उनका सीमेंट है उसके प्राइसेस में हमने देखा 10-15% का इंक्रीज हुआ है, जबकि जो रॉ मटेरियल है पैक को कोल और क्रूड उसमें सभी में गिरावट का दौर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे स्टॉक बिल्कुल रीरेटिंग हो गई है, और स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम भी देखा है, और 6 महीने में मिनिमम 50% का इसमें एप्रिसिएशन आप और देखेंगे। जी ओके बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, कहां पर एक्शन दिखा और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।